बात करेंगे जो हमारे फार्माकोलॉजी में इम्पोर्टेंस दो टॉपिक है। जब भी आप मेडिसिन या ड्रग के बारे में पढ़ते हो तो बेसिकली आपको इन दोनों टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम मेडिसिन या ड्रग को स्टडी करते हैं तो मेडिसिन और ड्रग के अंदर दो चीज़ें आ जाती है, उसकी एफिकेसी आ जाती है और दूसरा हमारे पास एक बेसिकली ड्रग के अंदर पोटेंसी आ जाती है कि हम ड्रग के अंदर एक तो एफिकेसी देखते हैं उसकी और उसकी ड्रग के अंदर हमारे उसकी पोटेंसी देखते हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली दो टॉपिक हैं, एफिकेसी क्या है और पोटेंसी क्या है। तो सबसे पहले हम एफिकेसी की बात करते हैं, एफिकेसी क्या चीज़ है। एफिकेसी की अगर बात की जाए तो एफिकेसी में बेसिकली हम क्या देखते हैं, ड्रग के रिस्पांस को देखा जाता है, यानी कि ड्रग का जो रिस्पांस होता है उसकी जो स्टडी होती है वो हम कहाँ पे करते हैं, एफिकेसी में करते हैं। तो बेसिकली क्योंकि आपको पता है कि हर ड्रग रिस्पॉन्स करती है, जब हर ड्रग रिस्पॉन्स करती है तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट भी रिफर होता है, तो उस चीज़ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एफिकेसी बोलते हैं। FDA एक फेडरल ड्रग एजेंसी है जो बेसिकली ड्रग और मेडिसिन पे काम कर रही है। उन्होंने बेसिकली एक आइडिया दिया था कि अगर हम कोई भी ड्रग या मेडिसिन लेते हैं तो उनके मेडिसिन के अमाउंट्स और उसकी मैक्सिमम रिस्पांस का पता होना चाहिए कि ये ड्रग कितना रिस्पांस करती है और इस ड्रग में कितना अमाउंट ये बेसिकली इफेक्ट होता है। तो उन चीज़ों के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप एक बेसिकली फार्माकोलॉजी की अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो ड्रग की अगर स्टडी करनी है, मेडिसिन की स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपको एफिकेसी और पोटेंसी आना ज़रूरी है। तो एफिकेसी आपसे पूछे जाए तो क्या चीज़ है, तो आप बता सकते हो सिंपली कि एफिकेसी में हम ड्रग के रिस्पांस को देखते हैं कि ड्रग का जो मैक्सिमम रिस्पांस होता है वो कितना होता है, उसके उसके उस चीज़ की स्टडीज़ को हम क्या बोलते हैं, एफिकेसी बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेसिकली यही पोटेंसी। पोटेंसी क्या चीज़ है, ये पोटेंसी की अगर बात की जाए तो पोटेंसी में हम बेसिकली ड्रग के अमाउंट का देखते हैं कि ड्रग का जो अमाउंट है वो कितना है, उस चीज़ की स्टडीज़ को हम पोटेंसी बोलते हैं। तो पोटेंसी रिफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग नीड फॉर द इफेक्ट, द लेस द कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड द मोर पोटेंट द ड्रग। तो बेसिकली आपको समझ आ गई होगी बात कि पोटेंसी में हम रिफर यानी कि रिफ़र करते हैं किस चीज़ को, बेसिकली ड्रग के अमाउंट को, ये ड्रग का कितना अमाउंट होता है इसमें और ड्रग क्या, और जो एफिकेसी होती है उसमें हम ड्रग के रिस्पांस को स्टडी करते हैं। तो ये बेसिकली दोनों टॉपिक आपके बुक्स में दी गई है, और अगर आपको इसको समझना है तो फार्माकोलॉजी की 4th एडिशन जाकर खोलें, उसमें 45 पेज होगा, उस 45 पेज में स्टडी करें तो बेसिकली ये आपको समझ आ जाएगी कि पोटेंसी और एफिकेसी में क्या फ़र्क है। क्योंकि एफिकेसी में ये नहीं कि हमें मैक्सिमम यानी कि हमारे पास ड्रग 5% भी हो सकती है, 50% भी उसकी मैक्सिमम वो हो सकती है, तो उसमें हम सिर्फ रिस्पांस देखेंगे। 5% रिस्पांस है इस ड्रग का तो 50% रिस्पांस है, 100% रिस्पांस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफिकेसी बोलेंगे। यानी कि एफिकेसी में हमें अमाउंट नहीं देखना, एफिकेसी में सिर्फ हमें उसकी मैक्सिमम रिस्पांस देखना है कि मैक्सिमम ड्रग कितना रिस्पांस कर रही है, पर पोटेंसी में हम क्या करेंगे कि उस ड्रग के अमाउंट को देखेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंट यही है कि पोटेंसी अलग चीज़ है, पोटेंसी में हम अमाउंट को स्टडी करते हैं और एफिकेसी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, उसके बेसिकली ड्रग के रिस्पांस को स्टडी करते हैं। तो आई होप अंडरस्टैंड, अगर आपको कोई सवाल समझ ना आए तो आप बेसिकली टीम वर्क पे आ जाएं और आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है।